तो आप देख सकते हैं कि पहले शेयर की प्राइस गिर रही थी, शेयर की प्राइस गिरने के बाद एक ऐसी कैंडल बनी जो कि रेड कलर की थी, और उसके बाद एक ऐसी ग्रीन कलर की कैंडल बनती है जो कि इससे पहले वाली रेड कलर की कैंडल को पूरा अपने अंदर कवर कर लेती है। ये हमारी रेड कैंडल है और ये हमारी ग्रीन कैंडल है, तो इस रेड कैंडल ने इस ग्रीन कैंडल को अंदर ही कवर कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारी एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न है, और जब ये पैटर्न बन जाता है तो अब आप इसमें ट्रेड लेने के लिए जो इसके ऊपर वाला पॉइंट है, यानी यहाँ पर कहीं पर आप बाय कर सकते हैं, एंट्री ले सकते हैं। अपना जो स्टॉप लॉस है वो आप इस वाली कैंडल के नीचे, यानी जो हमारी सेकंड ग्रीन कैंडल है ना, उसके नीचे आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और टारगेट के लिए दोस्तों, ये हमारी फ्री कैंडलस्टिक कोर्स की सेकंड वीडियो है। इससे पहले ऑलरेडी हम कैंडलस्टिक कोर्स के ऊपर एक वीडियो ला चुके हैं जिसमें हमने आपको सभी सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में एक्सप्लेन किया है। तो आज की वीडियो में हम आपको सभी डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, और इसके बाद एक और हमारे चैनल पे वीडियो आएगी जिसमें हम आपको सभी ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में बताएंगे। और अगर आप तीनों वीडियोस को देख लेते हैं तो आपके सभी कैंडलस्टिक पैटर्न्स कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने हमारी सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न की वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और अगर आप इस वीडियो को कुछ दिन के बाद देख रहे हैं तो हमारी ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर भी वीडियो आ चुकी होगी। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले डबल कैंडलस्टिक पैटर्न बुलिश किकर से। तो ये जो बुलिश किकर कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसके नाम से ही आपको समझ आ रहा है कि ये बुलिश पैटर्न है, यानी इसके बनने के बाद शेयर की प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं। और इसके नाम में किकर वर्ड भी है, तो किकर से आपको किक समझ आ रहा होगा, तो यहां पर आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, इसका मतलब किक सही है। और यहां पर किक का मतलब क्या है वो मैं आपको आगे समझाऊंगा, पहले ये समझ लेते हैं कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनता कैसे है। तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के लिए सबसे पहले जो स्टॉक है वो डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, यानी शेयर की प्राइस गिर रही होनी चाहिए। जब शेयर की प्राइस गिर रही है, यानी शेयर जब डाउन ट्रेंड में है, उसके बाद जो पहली कैंडल है वो एक रेड कैंडल बननी चाहिए कुछ इस तरीके से, और उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल है वो एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए कुछ इस तरीके से। लेकिन ये जो रेड कैंडल बनने के बाद ग्रीन कैंडल बन रही है ना, इसमें कंडीशन ये है कि इसमें गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं कि ये जो स्टॉक है ये यहां पर क्लोज हुआ था, और इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बनी है वो यहां पर ओपन हुई है, तो इसमें एक अच्छा खासा गैप अप ओपनिंग हुई है। तो बुलिश किकर पैटर्न बनने के लिए इस तरीके से गैप अप ओपनिंग होना जरूरी है, यानी यहां पर गैप होना चाहिए, और इसीलिए इसका नाम किकर पैटर्न है। क्योंकि आप ये मान के चल सकते हैं कि ये वाली जो कैंडल है इसने इसको किक करके ऊपर को पहुंचाया है। ये सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूं और इसका नाम भी इसी बेसिस पर पड़ा है। तो अब आपको समझ आ गया है कि ये पैटर्न बनता कैसे है, तो अब इसके पीछे की साइकोलॉजी भी समझ लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बेसिस पर आपको ट्रेड कैसे लेना है। तो देखिए, पहले जो स्टॉक था वो डाउन ट्रेंड में था, यानी शेयर की प्राइस गिर रही थी, और उसके बाद एक रेड कैंडल बनी जिससे भी हमें समझ आया कि यहां पर जो सेलर्स हैं वो उस स्टॉक में हावी हैं, यानी ज्यादा लोग सेल कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद अचानक से एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है जिसमें गैप अप ओपनिंग होती है, तो इससे हमें यह समझ आता है कि अचानक से इस स्टॉक में बहुत सारे बायर्स आ गए हैं, तो इसका मतलब है कि अब ये स्टॉक बायर्स के कंट्रोल में आ सकता है और अब शेयर की प्राइस बढ़ सकती है। तो इस तरीके से कैंडलस्टिक पैटर्न काम करता है। तो चलिए अब ये भी समझ लेते हैं कि इसके बेसिस पर ट्रेड कैसे लेना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो हमारी पहली कंडीशन है कि स्टॉक डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, तो स्टॉक डाउन ट्रेंड में ही है। उसके बाद हमारी एक रेड कैंडल बनती है, और रेड कैंडल बनने के बाद आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर एक गैप अप ओपनिंग हुई है और स्टॉक यहां पर ओपन हुआ है, जबकि इससे पहले ये यहां पर जाकर क्लोज हुआ था, तो इसमें एक अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग हुई है। तो यहां पर हमारा जो बुलिश किकर पैटर्न है वो बन चुका है। तो अब अगर आपको इसके बेसिस पर ट्रेड लेना है, तो जैसे ही ये कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाता है तो इसके ऊपर आप यहां पर कहीं पर एंट्री ले सकते हैं। अपना स्टॉप लॉस जो है वो इससे पहले वाली जो रेड कैंडल है उसके लोएस्ट पॉइंट पर, यानी यहां पर रख सकते हैं। और टारगेट के लिए या तो आपका जितना स्टॉप लॉस है आप उसके 2 times का टारगेट लेकर चल सकते हैं, या फिर जब तक आपको कोई ऐसा सिग्नल नहीं मिल जाता है जहां से आपको लगता है कि ट्रेंड रिवर्स कर सकता है, वहां तक आप अपना टारगेट लेकर चल सकते हैं। और रही बात कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न कौन से टाइम फ्रेम में काम करता है, तो देखिए हर कैंडलस्टिक पैटर्न हर टाइम फ्रेम में काम करता है, क्योंकि ये कैंडलस्टिक पैटर्न है तो ये हर टाइम फ्रेम में बनते हैं।
अब यहां पर मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर दूं कि देखिए कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न हमेशा काम नहीं करता है, तो आपको कंफर्मेशन के लिए इसके साथ वॉल्यूम या अदर इंडिकेटर्स का यूज करना चाहिए। वैसे वॉल्यूम का यूज करके कंफर्मेशन कैसे करना है वो इससे पहले वाला जो हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न का पार्ट है ना उसमें मैंने अच्छे से समझाया है, तो उस वीडियो को ध्यान से और पूरा जरूर देख लीजिएगा। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो ये था बुलिश किकर पैटर्न। अब चलते हैं इसके जस्ट अपोजिट बियरिश किकर पैटर्न की तरफ और इसको समझते हैं। तो बियरिश किकर पैटर्न के नाम से ही आपको समझ आ रहा है कि इस पैटर्न के बनने के बाद शेयर की प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं। तो चलिए पहले यह समझ लेते हैं कि यह पैटर्न बनता कैसे है। तो देखिए जब भी यह पैटर्न बनता है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि यह अप ट्रेंड में बनना चाहिए, यानी इससे पहले शेयर की प्राइस बढ़ रही होनी चाहिए, उसके बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल बने और उसके बनने के बाद एक इस तरीके की रेड कैंडल बननी चाहिए। यानी जो हमारी पहली कैंडल है वो ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, जो हमारी सेकंड कैंडल है वो एक रेड कैंडल होनी चाहिए, और क्योंकि ये एक बेयरिश किकर पैटर्न है तो इसमें गैप डाउन ओपनिंग होना जरूरी है। तो आप देख सकते हैं कि ये वाली जो कैंडल है ये यहाँ पर ओपन हुई थी और यहाँ पर क्लोज हुई, इससे पहले शेयर की प्राइस बढ़ रही थी, और उसके बाद जो अगली कैंडल है वो हमारी डायरेक्टली यहाँ पर ओपन हुई और यहाँ पर क्लोज हुई। तो आप देख सकते हैं कि इसमें एक अच्छी खासी गैप डाउन ओपनिंग हुई है। तो अब आपको समझ आ गया है कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनता कैसे है, तो अब इसके पीछे की साइकोलॉजी भी समझ लेते हैं। तो देखिए पहले शेयर की प्राइस यहाँ पर बढ़ रही थी, उसके बाद एक ऐसी बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है, यानी उसके बाद भी शेयर की प्राइस बढ़ती है, लेकिन उसके बाद अचानक से एक गैप डाउन ओपनिंग होती है और एक रेड कैंडल बनती है, यानी उसके बाद शेयर की प्राइस गिर जाती है। तो इसका मतलब है कि पहले जो स्टॉक था वो बायर्स के कंट्रोल में था, पहले बहुत सारे लोग बाय कर रहे थे लेकिन अचानक से बहुत सारे लोगों ने सेल करना शुरू कर दिया है, यानी अब स्टॉक सेलर्स के कंट्रोल में आ रहा है, तो अब शेयर की प्राइस गिरने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये इसके पीछे की साइकोलॉजी है। तो अब ये समझ लेते हैं कि अगर आपको इसके बेसिस पर ट्रेड लेना है तो वो आप कैसे ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो स्टॉक है वो अप ट्रेंड में है, उसके बाद हमारी एक ग्रीन कैंडल बनती है और ग्रीन कैंडल बनने के बाद हमारी एक रेड कैंडल बनती है, लेकिन जो ये रेड कैंडल बनती है ना उसके बीच में काफी गैप डाउन ओपनिंग होती है। तो आप देख सकते हैं इसमें गैप डाउन ओपनिंग हुई है, यानी इसका मतलब ये एक बेयरिश किकर पैटर्न है। तो अब अगर आपको इसके बेसिस पर ट्रेड लेना है तो क्योंकि ये एक बेयरिश पैटर्न है और इसके बाद शेयर की प्राइस गिरने के चांसेस है, तो यहां पर आप शॉर्ट सेल करने का ट्रेड लेंगे। तो शॉर्ट सेल आप कहां पर करेंगे, तो बेसिकली आप यहां पर यानी सेकंड कैंडल के नीचे अपना शॉर्ट सेल करने का ट्रेड ले सकते हैं, यानी एंट्री ले सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो जो ग्रीन कैंडल है उसके ऊपर, यानी यहां पर कहीं पर आपका स्टॉप लॉस होगा, और टारगेट के लिए आप जब तक आपको कोई ऐसा सिग्नल नहीं मिल जाए जिसके बाद आपको लगता है कि शेयर की प्राइस रिवर्स कर सकती है, यानी अभी तक गिर रही थी और बढ़ सकती है, वहां तक का आप टारगेट लेकर चल सकते हैं, या फिर अपने 2 times ऑफ स्टॉप लॉस का टारगेट लेकर भी चल सकते हैं। और क्योंकि ये कैंडलस्टिक पैटर्न है तो ये हर टाइम फ्रेम में बनता है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप 5 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट की कैंडल में उसको ट्राई कर सकते हैं, और अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप डेली या वीकली कैंडलस्टिक पैटर्न में भी इनका यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न बताने से पहले यार, हम बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद इन वीडियोस को बना रहे हैं। ऐसी वीडियोस को जनरली लोग पेड कोर्सेज में सेल करते हैं, हम आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसके रिटर्न में आप एटलीस्ट इस वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 10,000 लाइक्स, और इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो कम से कम अपने WhatsApp स्टेटस में या फिर Instagram के स्टेटस में इस वीडियो को जरूर लगा दीजिएगा, और अगर Instagram पे लगाओगे तो मुझे मेंशन भी करना, मेरी Instagram की आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है वो है बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। बुलिश के नाम से ही आपको समझ आ रहा है कि इसके बनने के बाद शेयर की प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं, और यहाँ पर जो एंगल्फिंग है इसका मतलब क्या होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले ये समझते हैं कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनता कैसे है। तो इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बनने के लिए सबसे पहले जो शेयर की प्राइस है वो डाउन ट्रेंड में होनी चाहिए, यानी शेयर की प्राइस गिर रही होनी चाहिए। ज्यादातर जो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न होता है ना उनमें पहले शेयर की प्राइस डाउन ट्रेंड में ही होती है, क्योंकि पहले जब शेयर की प्राइस गिर रही होगी उसके बाद एक पर्टिकुलर कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा, तभी तो शेयर की प्राइस बढ़ने के चांसेस होंगे, और इसीलिए तो हम उस पर्टिकुलर कैंडलस्टिक पैटर्न को ढूंढ रहे हैं जिसके बाद जब शेयर की प्राइस गिर रही है और उसके बाद वहां से ट्रेंड रिवर्स कर रहा है। तो जनरली ऐसा देखा जाता है कि बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न में जो स्टॉक है वो पहले डाउन ट्रेंड में ही होता है। तो यहां पर भी शेयर की प्राइस गिर रही थी,
उसके बाद हमारी जो पहली कैंडल बननी चाहिए वो एक रेड कैंडल बननी चाहिए, जो कि आपको दिखाई दे रहा है कुछ एक इस तरीके की रेड कैंडल बन रही है। उसके बाद जो हमारी सेकंड कैंडल है वो एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि ये ग्रीन कैंडल बन रही है, तो पहली कैंडल रेड होनी चाहिए, दूसरी कैंडल ग्रीन होनी चाहिए, और इसमें क्योंकि ये एक एनगल्फिंग पैटर्न है, तो एनगल्फिंग का मतलब होता है कवर करना, तो इसमें जो कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है बाद वाला, वो पहली वाली कैंडल को पूरा कवर कर देना चाहिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इसकी जो ओपन प्राइस है और इसकी जो क्लोज प्राइस है, उसके बीच में ही हमारी इससे पहले वाली रेड कैंडल बनी है, तो हमारी जो ग्रीन कैंडल है उसने हमारी रेड वाली कैंडल को पूरा अच्छे से कवर कर लिया है। तो इस तरीके से जब एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो उसे एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बोलते हैं। तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनता कैसे है ये तो आपको समझ आ गया है, तो चलिए अब इसके पीछे की साइकोलॉजी समझ लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पहले शेयर की प्राइस गिर रही थी और उसके बाद एक रेड कैंडल बनती है, यानी यहां पर भी शेयर की प्राइस गिर रही है, और उसके बाद एक ऐसी कैंडल बनती है जो कि पहले वाली कैंडल के नीचे ओपन होती है, यानी यहां पर ओपन होती है। अब क्योंकि अभी तक शेयर की प्राइस गिर रही थी तो इसके बाद शेयर की प्राइस को नीचे जाना चाहिए था, लेकिन इस केस में जो शेयर की प्राइस है वो इससे नीचे ओपन होती है बट उसके बाद बढ़ती है, और जो हमारी पहले वाली रेड कैंडल थी ना उससे ऊपर जाकर क्लोज हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पहले शेयर की प्राइस गिर रही थी, यानी जो शेयर था वो सेलर्स के कंट्रोल में था, लेकिन अब इस कैंडल के बाद जो शेयर है वो बायर्स के कंट्रोल में आ गया है, तो अब इसके बाद शेयर की प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो अगर अब आपको इसके बेसिस पर ट्रेड लेना है तो चलिए वो समझते हैं कि वो आप कैसे ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पहले शेयर की प्राइस गिर रही थी, शेयर की प्राइस गिरने के बाद एक ऐसी कैंडल बनी जो कि रेड कलर की थी, और उसके बाद एक ऐसी ग्रीन कलर की कैंडल बनती है जो कि इससे पहले वाली रेड कलर की कैंडल को पूरा अपने अंदर कवर कर लेती है। ये हमारी रेड कैंडल है और ये हमारी ग्रीन कैंडल है, तो इस रेड कैंडल ने इस ग्रीन कैंडल को अंदर ही कवर कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारी एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न है, और जब ये पैटर्न बन जाता है तो अब आप इसमें ट्रेड लेने के लिए जो इसके ऊपर वाला पॉइंट है, यानी यहां पर कहीं पर आप बाय कर सकते हैं, एंट्री ले सकते हैं। अपना जो स्टॉप लॉस है वो आप इस वाली कैंडल के नीचे, यानी जो हमारी सेकंड ग्रीन कैंडल है ना, उसके नीचे आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और टारगेट के लिए जब तक ट्रेंड चेंज नहीं होता है या आपको कोई ऐसा सिग्नल नहीं मिलता है जहां से आपको लगे कि अब शेयर की प्राइस गिर सकती है, या फिर आप अपने स्टॉप लॉस के 2 times का टारगेट लेकर चल सकते हैं, और ये कैंडलस्टिक पैटर्न सभी टाइम फ्रेम में अच्छे से काम करता है। तो ये था बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। अब इसके जस्ट अपोजिट बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न को समझते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप ट्रेडिंग के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो मैंने आपको कुछ अच्छे डीमैट अकाउंट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। और इसके साथ ही अगर आप बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक का स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं तो आप हमारे स्टॉक मार्केट मास्टरी कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं, और उसकी 2 videos तो आप बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं हमारे ऐप नीरज जोशी पर। इसके साथ ही ये जो हमारी PDF है जिसमें मैं आपको पूरा ट्रेड लेना सिखा रहा हूं, ये PDF भी आपको हमारे ऐप नीरज जोशी पर मिल जाएगी। हम जल्दी ही तीनों जो हमारी कैंडलस्टिक पैटर्न की वीडियोस आएंगी ना, उनकी जो PDF होगी उसको हमारे ऐप नीरज जोशी में बिल्कुल फ्री में अपलोड कर देंगे। तो हमारे ऐप नीरज जोशी को जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, और इसके साथ ही हमारे कोर्स को भी जरूर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। तो अब समझते हैं हमारे नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न बेरिश एंगल्फिंग को, जो कि जस्ट अपोजिट है हमारे बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न का। तो इस कैंडलस्टिक पैटर्न में जो शेयर की प्राइस है वो पहले अप ट्रेंड में होनी चाहिए, उसके बाद जो हमारी पहली कैंडल बनेगी वो एक ग्रीन कैंडल बनेगी, और उसके बाद जो हमारी सेकंड कैंडल बनेगी वो एक रेड कैंडल बनेगी। तो इस तरीके से एक बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बनेगा जिसमें जो हमारी बाद वाली रेड कैंडल है वो इससे पहले वाली ग्रीन कैंडल को पूरे अच्छे तरीके से कवर कर लेगी, इसीलिए इसका नाम बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न है, और इसके बनने के बाद शेयर की प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं। तो इसमें जो पहली कैंडल है वो ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, दूसरी कैंडल रेड कैंडल होनी चाहिए, और इससे पहले शेयर अप ट्रेंड में होना चाहिए। तो बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न कैसे बनता है ये अब आपको समझ आ गया होगा, तो चलिए अब इसके पीछे की साइकोलॉजी भी समझ लेते हैं। वैसे मैं जानता हूं कि अब आपको साइकोलॉजी भी थोड़ी बहुत समझ आने लग गई होगी, बट फिर भी मैं आपको समझा देता हूं। तो देखिए, पहले शेयर की प्राइस बढ़ रही है, यानी शेयर में जो बायर्स हैं वो ज्यादा एक्टिव है। उसके बाद एक ऐसी कैंडल बनती है जो कि ऊपर ओपन होती है, यानी यहां पर ओपन होती है, और उसके बाद शेयर की प्राइस गिरने लग जाती है, और जो इससे पहले वाली कैंडल थी ना उससे भी नीचे जाकर क्लोज होती है। तो इसका मतलब है कि पहले जो शेयर था वो बायर्स के कंट्रोल में था, अब सेलर्स के कंट्रोल में आ रहा है, तो यहां से शेयर की प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं। तो अब इसमें ट्रेड कैसे लेना है चलिए अब वो भी समझ लेते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो शेयर की प्राइस है वो अप ट्रेंड में है,
उसके बाद जो हमारी पहली कैंडल है वो एक ग्रीन कैंडल बनी है और उसके बाद एक रेड कैंडल बनी है जिसने उससे पहले वाली कैंडल को पूरी तरह से एंगल्फ कर लिया है। आप देख सकते हैं कि इसने इससे पहले वाली ग्रीन कैंडल को पूरी तरह से कवर कर लिया है, इसलिए ये एक बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न है और इसके बाद शेयर की प्राइस गिरने लग गई है। तो अब अगर आपको इसके बेसिस पर शॉर्ट सेल करना है, क्योंकि ये एक बेयरिश पैटर्न है तो आप शॉर्ट सेल ही कर सकते हैं, तो अगर आपको शॉर्ट सेल करना है तो आप यहां पर अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। आपकी जो एंट्री होगी वो जो हमारी रेड वाली कैंडल है ना उसके नीचे होगी, यानी यहां पर आप एंट्री लेंगे। और टारगेट के लिए आपको पता ही है कि आप अपने 2 times ऑफ स्टॉप लॉस का टारगेट लेकर चल सकते हैं, या फिर जब तक आपको कोई ऐसा सिग्नल नहीं मिल जाता जहां से आपको लगता है कि ट्रेंड रिवर्स कर सकता है, आप वहां तक का टारगेट लेकर चल सकते हैं। तो अब आपको बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न भी समझ आ गया है और बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न भी समझ आ गया है। तो अब मैं ये जानना चाहता हूं कि मैं आप लोगों को जो सिखा रहा हूं वो आपको सही में समझ आ भी रहा है या फिर नहीं। तो इसलिए मेरा आपसे एक सवाल है जिसका जवाब आपने अभी के अभी कमेंट बॉक्स में देना है, और वो सवाल ये है कि जो बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न है और जो बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न होता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। अगर आपको इसका जवाब मालूम है तो अभी के अभी कमेंट कीजिए, और अगर आपको इसका जवाब मालूम नहीं है तो फिर वीडियो को आगे देखने का कोई फायदा नहीं है। पहले बियरिश एंगल्फिंग और बुलिश एंगल्फिंग को एक बार दोबारा देखो, दोनों के बीच के डिफरेंस को समझो, उसको कमेंट करो, उसके बाद आगे जाकर वीडियो देखो ताकि आपको सब कुछ समझ आता रहे। तो यहां पर कमेंट जरूर कीजिएगा कि बुलिश एंगल्फिंग और बेयरिश एंगल्फिंग के बीच में डिफरेंस क्या है। अब जो हमारा नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है इसका नाम है बुलिश हरामी पैटर्न। यहां पर बुलिश से तो आप समझ ही चुके हैं कि इसके बाद शेयर की प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं, लेकिन यहां पर जो हरामी है ना उसका मतलब गाली से नहीं है, उसका मतलब है एक प्रेग्नेंट वुमेन से। ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है ये जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न है, तो जापानीज में हरामी का मतलब होता है प्रेग्नेंट वुमेन। बट यहां पर प्रेग्नेंट वुमेन का क्या काम है वो मैं आपको आगे समझाऊंगा, पहले ये समझते हैं कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न काम कैसे करता है। तो इसमें पहले शेयर की प्राइस गिर रही थी, उसके बाद आप देख सकते हैं कि बड़ी एक रेड कलर की कैंडल बनती है और इस कैंडल के बनने के बाद एक ग्रीन कलर की कैंडल बन जाती है जो कि इस कैंडल की बॉडी के अंदर ही बनती है। आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी ग्रीन कैंडल है वो इस रेड कलर की कैंडल की बॉडी के अंदर ही बनी हुई है। तो क्योंकि जो हमारी ग्रीन कलर की कैंडल है वो हमारी रेड कलर की कैंडल के अंदर है, इसलिए इसको बुलिश हरामी यानी प्रेग्नेंट वुमेन माना जाता है। क्योंकि जैसे प्रेग्नेंट वुमेन अपने पेट में एक बच्चे को रखती है, उसी तरीके से ये जो रेड कलर की कैंडल है उसने अपनी ग्रीन कलर की कैंडल को यहां पर रखा हुआ है। अब देखो नाम का मतलब तो मैं आपको सिर्फ जर्नल नॉलेज के लिए या फिर आपको याद रहे इसलिए बता देता हूं। यहां पर समझना ये जरूरी है कि इस कैंडल के बनने के बाद शेयर की प्राइस क्यों बढ़ रही है, यानी इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। तो आप देख सकते हैं कि पहले शेयर की प्राइस गिर रही थी, शेयर डाउन ट्रेंड में था, और उसके बाद एक ऐसी कैंडल बनती है जिसमें जो शेयर की प्राइस है वो यहां पर ओपन होती है और उसके बाद प्राइस गिरने लग जाती है और नीचे जाकर क्लोज होती है। यानी यहां पर भी एक बड़ी रेड कलर की कैंडल बनती है, लेकिन उसके बाद अचानक से एक ऐसी कैंडल बनती है जिसमें जो शेयर की प्राइस है वो थोड़ा सा गैप अप ओपन होती है, यानी यहां पर ओपन होती है, और उसके बाद शेयर की प्राइस बढ़ती है और बढ़ते बढ़ते ऊपर जाकर क्लोज हो जाती है। लेकिन यहां पर भी जो शेयर की प्राइस क्लोज हो रही है वो इससे पहले जहां पर शेयर ओपन हुआ था उससे नीचे ही क्लोज होती है। तो देखो पहले शेयर की प्राइस गिर रही थी, उसके बाद अचानक से ग्रीन कलर की कैंडल बनती है जिसमें थोड़ी सी गैप अप ओपन होती है और उसके बाद शेयर की प्राइस बढ़ती है। तो इसका मतलब है कि यहां पर जो बायर्स हैं अब वो एक्टिव हो रहे हैं, तो इसके बाद शेयर की प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो आप ये समझते हैं कि अगर आपको इसके बेसिस पर ट्रेड लेना है तो वो आप कैसे ले सकते हैं। तो जब भी इस तरीके का कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो आपने जो इसके बाद ग्रीन कैंडल बनी है ना उसके ऊपर एंट्री लेनी होती है, यानी यहां पर आप बाय करेंगे। आपका जो स्टॉप लॉस है वो उससे पहले वाली जो रेड कैंडल है उसका लोएस्ट पॉइंट यानी यहां पर होगा, और आपका जो टारगेट है वो आपको पता ही है कि जब तक आपको कोई ऐसा सिग्नल नहीं मिल जाता जहां से आपको लगता है कि अब शेयर की प्राइस रिवर्स कर सकती है, वहां तक आप टारगेट लेकर चल सकते हैं, या फिर अपने स्टॉप लॉस के 2 times का भी आप टारगेट लेकर चल सकते हैं। और ये कैंडलस्टिक पैटर्न भी हर टाइम फ्रेम में बनता है। तो ये था बुलिश हरामी पैटर्न। अब समझते हैं इसके जस्ट अपोजिट बेयरिश हरामी पैटर्न को। तो ये जो बेयरिश हरामी पैटर्न है ये अप ट्रेंड में बनता है। आप देख सकते हैं कि जो इससे पहला वाला पैटर्न था वो डाउन ट्रेंड में बन रहा था, लेकिन ये अप ट्रेंड में बन रहा है और इसका नाम बेयरिश है। तो आप समझ सकते हैं कि इसके बाद शेयर की प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं। और यहां पर ये हरामी पैटर्न क्यों है वो भी अभी तक आप समझ गए ही होंगे। तो यहां पर शेयर की प्राइस पहले बढ़ रही थी, उसके बाद एक बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल बनती है, और इस बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल के बनने के बाद एक नेक्स्ट जो हमारी सेकंड कैंडल है वो रेड कलर की कैंडल होनी चाहिए, जो कि हमारी जो पहले वाली ग्रीन कलर की कैंडल है ना
उसकी बॉडी के अंदर ही बननी चाहिए, जैसा कि इस केस में आपको दिखाई दे रहा है। और जब इस तरीके का पैटर्न बनेगा तो उसको एक प्रेग्नेंट वेमेन यानी हरामी पैटर्न माना जाएगा। तो इसलिए इसमें जो बड़ी कैंडल है, जो वेमेन है, वो होगी हमारी ग्रीन कलर की कैंडल, और जो बेबी है वो होगी हमारी रेड कलर की कैंडल। और जैसे ही ये पैटर्न बनेगा तो उसके बाद शेयर की प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं। आप ध्यान रखिए, मैं हर बार कह रहा हूं कि चांसेस होते हैं, मैं कभी नहीं कह रहा हूं कि हर बार गिरेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न हमेशा काम नहीं करता है, इसलिए हम स्टॉप लॉस भी लगा रहे हैं। और इसके साथ ही मैंने आपको बताया कि आप कंफर्मेशन के लिए वॉल्यूम का यूज कर सकते हैं। तो ये बेयरिश पैटर्न कैसे बनता है ये तो आपको समझ आ ही गया होगा, तो चलिए ये समझ लेते हैं कि इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। तो देखिए, पहले शेयर की प्राइस बढ़ रही है और बढ़ते बढ़ते एक बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल बनती है, और उसके बाद शेयर की प्राइस में गैप डाउन ओपनिंग होती है, यानी शेयर यहां पर ओपन होता है और उसके बाद शेयर की प्राइस गिरने लग जाती है। तो पहले जहां शेयर की प्राइस बढ़ रही थी, उसके बाद एक ऐसी कैंडल बनती है जिसमें गैप डाउन ओपनिंग हो रही है, और गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद शेयर की प्राइस गिर रही है। तो इसका मतलब है कि यहां से शेयर की प्राइस गिर सकती है, क्योंकि यहां पर हो सकता है कि सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं, तो यहां पर आप शॉर्ट सेल करने की पोजीशन ले सकते हैं। और वो शॉर्ट सेल आप कैसे करेंगे, चलिए अब वो भी समझ लेते हैं। तो इस केस में आपको दिखाई दे रहा है कि पहले शेयर की प्राइस बढ़ रही थी, उसके बाद एक बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल बनी, और उस ग्रीन कलर की कैंडल के अंदर ही एक रेड कलर की कैंडल बनी है। आप देख सकते हैं कि इसकी बॉडी के अंदर ही हमारी रेड कलर की कैंडल बन गई है। तो ये हमारा बेयरिश हरामी पैटर्न है, और इसके बाद शेयर की प्राइस गिरने लग गई। तो अगर आपको इसके बेसिस पर ट्रेड लेना है, तो आप, क्योंकि यहां पर ये एक बेयरिश पैटर्न है, तो आप शॉर्ट सेल करने का ही ट्रेड लेंगे, तो वो आप ये जो बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल है इसके नीचे, यानी यहां पर आप एंट्री ले सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो इस ग्रीन कलर की कैंडल के ऊपर, यानी यहां पर आपका स्टॉप लॉस होगा। और टारगेट के लिए आपको पता ही है कि आपको क्या करना है, जब तक आपको कोई ऐसा सिग्नल ना मिल जाए जहां से आपको लगे कि अब शेयर की प्राइस बढ़ सकती है, वहां तक का आप टारगेट लेकर चल सकते हैं, या फिर 2 times ऑफ स्टॉप लॉस का आप टारगेट लेकर चल सकते हैं। तो ये था बेयरिश हरामी पैटर्न। अब नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरी एक बुक है बी ए स्टॉक मार्केट मिलियनेयर, जो कि आप Amazon या Flipkart से बाय कर सकते हैं। इस बुक में आपको जानने को मिलेगा कि कैसे मैंने स्टॉक मार्केट से पैसे कमाए, क्या क्या तरीके मैंने अप्लाई किए, और इसके साथ ही आपको फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आप हमारी इस बुक को चेकआउट कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है वो है पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न। ये एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, यानी इस पैटर्न के बनने के बाद शेयर की प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं, और ये डाउन ट्रेंड में बनता है, यानी इससे पहले शेयर की प्राइस गिर रही थी। उसके बाद जो हमारी फर्स्ट कैंडल बननी चाहिए वो एक बड़ी रेड कैंडल बननी चाहिए, कुछ इस तरीके की। उसके बाद जो हमारी सेकंड कैंडल बननी चाहिए वो एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, कुछ इस तरीके की। बट यहां पर कंडीशन ये है कि इस रेड कलर की कैंडल के बनने के बाद जो हमारी ग्रीन कलर की कैंडल बन रही है ना, वो ओपन तो हमारी जो रेड कलर की कैंडल है उससे नीचे होनी चाहिए, यानी यहां पर ये कैंडल ओपन हुई, बट क्लोज ये जो पहले वाली रेड कलर की कैंडल है उसके 50%, यानी जो इसकी मिड लाइन है उससे ऊपर होनी चाहिए। मतलब इसके लिए आपको जो रेड कलर की कैंडल है उसको बीच में से आपने काटना होगा, और उसके बाद आपको देखना होगा कि इसके बाद वाली जो हमारी ग्रीन कलर की कैंडल है वो क्या इससे पहले वाली जो रेड कलर की कैंडल है उसके आधे से ऊपर क्लोज हुई है। तो इस केस में हुई है, इसका मतलब ये एक पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न बन कैसे रहा है ये आप समझ गए हैं, तो चलिए अब इसके पीछे की साइकोलॉजी भी समझ लेते हैं। तो देखिए, बहुत आसान है, पहले शेयर की प्राइस गिर रही थी, उसके बाद एक बड़ी रेड कलर की कैंडल बनती है, जिसके बाद जो अगली कैंडल बनती है वो नीचे ओपन होती है, यानी इस टाइम तक जब ये ओपन हुई यहां पर जो सेलर्स थे वो एक्टिव थे, लेकिन इस प्राइस में अचानक से बायर्स आ गए, यहां पर बहुत सारे लोगों ने बाय करना शुरू कर दिया, और जब बहुत सारे लोगों ने यहां पे बाय करना शुरू कर दिया तो उसके बाद प्राइस बढ़ने लग गई, और बढ़ने के बाद भी जो इससे पहले वाली जो रेड कलर की कैंडल थी उसके आधे से ऊपर जाकर क्लोज हो गई। तो इसका मतलब है कि यहां पर अब बायर्स एक्टिव हो रहे हैं और चांसेस हैं कि अब शेयर की प्राइस बढ़ सकती है, तो यहां पर आप बाय कर सकते हैं। अब बाय कहां पर करना है, ट्रेड कहां पर लेना है, चलिए वो अब अगली स्लाइड में समझते हैं। तो देखिए, इस केस में आप देख सकते हैं कि पहले शेयर की प्राइस गिर रही थी, यहां पर एक बड़ी हमारी रेड कलर की कैंडल बनी है, और उसके बाद हमारी एक बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल बनी है, जो कि हमारी जो रेड कलर की कैंडल है उससे नीचे ओपन हुई है, और उसके 50% से ऊपर जाकर क्लोज हुई है।
तो क्लियरली हमें समझ आ रहा है कि ये एक पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो अब अगर आपको इसके बेसिस पर ट्रेड लेना है तो जैसे ही ये जो हमारी ग्रीन कलर की कैंडल है ये क्लोज हो जाती है तो आप इसके ऊपर यानी यहां पर कहीं पर बाय कर सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस है वो हमारी जो ग्रीन कलर की कैंडल है उसके नीचे यानी यहां पर आप अपना स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं। और टारगेट के लिए आपको पता ही है कि आप 2 times ऑफ स्टॉप लॉस या फिर जब तक आपको कोई ऐसा सिग्नल ना मिल जाए जहां से आपको लगे कि अब शेयर की प्राइस गिर सकती है वहां तक आप ट्रेड लेकर चल सकते हैं। और जब आप सारे कैंडलस्टिक पैटर्न समझ चुके होंगे ना तब आपको पता है कि यार अब ये वाला कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है तो यहां से शेयर की प्राइस गिरने के चांसेस हैं। तो आप एक कैंडलस्टिक पैटर्न को देखकर बाय करेंगे और दूसरा जो बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है उसको देखकर आप सेल करेंगे और इस तरीके से आप इजीली अपना टारगेट भी डिसाइड कर पाएंगे। तो अब आपको पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न समझ आ गया है तो अब समझते हैं हमारे नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न डार्क क्लाउड कवर के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखना चाहते हैं तो हमने इसके ऊपर एक प्लेलिस्ट बना रखी है। उस प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पे दिया है तो आप हमारी उस फ्री प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा। तो हमारा जो डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न है ये हमारे पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न के जस्ट अपोजिट है। जहां पियर्सिंग लाइन पैटर्न एक बुलिश पैटर्न था डार्क क्लाउड कवर एक बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसमें जो स्टॉक की प्राइस है वो पहले अप ट्रेंड में होती है उसके बाद हमारी जो पहली कैंडल है वो एक बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल बनती है और उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट कैंडल है वो एक रेड कलर की कैंडल बनती है जो कि ओपन तो होती है इस ग्रीन कलर की कैंडल के ऊपर यानी यहां पर ओपन होती है लेकिन क्लोज होती है इसके 50% यानी जो ग्रीन कलर की कैंडल है उसके आधे के नीचे जाकर क्लोज होती है। तो यहां पर जाकर यह कैंडल क्लोज हुई है और जब इस तरीके का पैटर्न बनता है तो इसे डार्क क्लाउड कवर बोला जाता है और इसके बाद शेयर की प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं। तो आपको समझ आ गया है कि ये डार्क क्लाउड कवर कैसे बनता है, जस्ट हमारा जो पियर्सिंग लाइन पैटर्न है ना उसके अपोजिट है। तो अब अगर इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझे तो देखिए पहले शेयर अप ट्रेंड में था यानी शेयर की प्राइस बढ़ रही थी मतलब यहां पर जो शेयर था वो बायर्स के कंट्रोल में था मतलब ज्यादा लोग बाय कर रहे थे। उसके बाद एक बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल बनती है यानी यहां तक भी शेयर जो था वो बायर्स के कंट्रोल में था। लेकिन उसके बाद होता यह है कि जो शेयर की प्राइस है उसमें थोड़ी सी गैप अप ओपन होती है यानी यहां पर जाकर शेयर की प्राइस ओपन होती है लेकिन उसके बाद शेयर की प्राइस गिरने लग जाती है और जो पहले वाली ग्रीन कलर की कैंडल थी उससे नीचे जाकर क्लोज होती है। तो इसका मतलब यह है कि अब जो स्टॉक है वो सेलर्स के कंट्रोल में आ रहा है क्योंकि शेयर पहले ऊपर ओपन हुआ था लेकिन अब यहां पर बहुत सारे लोगों ने सेल करना शुरू कर दिया जिसके बाद प्राइस गिरने लग गई और वो इससे पहले वाली कैंडल के भी आधे से नीचे आकर गिर गई है। तो अब हो सकता है कि शेयर जो है वो सेलर्स के कंट्रोल में आ रहा है और यहां से प्राइस गिर सकती है। तो अब अगर आपको इसके बेसिस पर ट्रेड लेना है तो वो आप कैसे ले सकते हैं, चलिए अब वो भी समझ लेते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि शेयर की प्राइस बढ़ रही है और उसके बाद इस तरीके से हमारा एक डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया है। अब क्योंकि ये एक बेयरिश पैटर्न है तो इसमें आप शॉर्ट सेल करने का ही ट्रेड लेंगे तो वो ट्रेड आप जो हमारी रेड कलर की कैंडल है ना उसके नीचे यानी यहां पर आपको अपनी एंट्री लेनी होगी। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो हमारी जो रेड कलर की कैंडल है इसके ऊपर यानी यहां पर आपका स्टॉप लॉस होगा और टारगेट के लिए आपको पता ही है कि आप 2 times ऑफ स्टॉप लॉस या फिर जब तक आपको कोई ऐसा सिग्नल ना मिल जाए जिससे आपको लगे कि अब ट्रेंड रिवर्स हो सकता है आप वहां तक अपना टारगेट लेकर चल सकते हैं। तो ये था डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न। अब इसके बाद समझते हैं हमारे नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न ट्विजर बॉटम के बारे में। ये एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न होता है यानी इसके बनने के बाद शेयर की प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं और मैंने आपको बताया है कि जो बुलिश पैटर्न होते हैं वो जनरली कहां पर बनते हैं, वो जनरली डाउन ट्रेंड में बनते हैं यानी इससे पहले शेयर की प्राइस गिर रही थी उसके बाद ये पैटर्न बना और इसके बाद शेयर की प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो अब ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनता कैसे है चलिए वो समझ लेते हैं। तो इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बनने के लिए सबसे पहले वाली जो हमारी कैंडल है यानी ये वाली जो कैंडल है ये रेड कलर की होनी चाहिए, उसके बाद जो हमारी सेकंड कैंडल है वो एक ग्रीन कलर की कैंडल होनी चाहिए। बट यहां पर इंपॉर्टेंट यह है कि इन दोनों कैंडल का जो लो पॉइंट है वो सेम जगह पर होना चाहिए जैसे इस केस में आपको दिखाई दे रहा है। तो जब भी डाउन ट्रेंड में एक रेड कलर की कैंडल बनती है उसके बाद एक ग्रीन कलर की कैंडल बनती है जिनका जो लो पॉइंट होता है वो सेम होता है उसको हम ट्वीजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न मानते हैं और इसके बाद शेयर की प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो ये पैटर्न बनता कैसे है ये तो आपको समझ आ गया है तो चलिए अब इसके पीछे की साइकोलॉजी को भी समझ लेते हैं और इसके साथ ही इसके बेसिस पर ट्रेड कैसे लेना है वो भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले साइकोलॉजी की बात करें तो देखिए यहां पर शेयर की प्राइस गिर रही है उसके बाद एक रेड कलर की कैंडल बनती है यानी यहां पर भी शेयर की प्राइस गिरती है लेकिन जहां तक शेयर की प्राइस गिरती है ना
उसके बाद अगली जो कैंडल है वो उससे थोड़ा सा ऊपर ओपन होती है, या फिर हो सकता है यहीं पर ओपन हो, लेकिन उसका जो लो होता है वो सेम यहीं पर होता है और यहां से शेयर की प्राइस बढ़ने लग जाती है। तो जब इस तरीके का पैटर्न बनता है तो हम ये मान के चलते हैं कि यहां पर एक सपोर्ट है और इससे ज्यादा प्राइस नीचे जाने के चांसेस कम है, तो यहां पर आप ट्रेड ले सकते हैं क्योंकि इसी वजह से शेयर की प्राइस बढ़ रही है, तो इसका मतलब है कि यहां पर बायर्स हैं। तो अब अगर आपको ट्रेड लेना है तो वो ट्रेड आप कैसे ले सकते हैं, चलिए वो भी समझ लेते हैं। तो ट्वीजर बॉटम के बेसिस पर ट्रेड लेने के लिए जो हमारी ग्रीन कलर की कैंडल है उसके ऊपर यानी यहां पर आपको कहीं पे बाय करना होगा। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो इन दोनों कैंडल के नीचे यानी यहां पर कहीं पर होगा। अब क्योंकि दोनों का जो लो पॉइंट है वो सेम है तो इसके नीचे आप अपना स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं। और टारगेट का आपको पता ही है कि जब तक आपको कोई ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न ना मिल जाए जिससे आपको लगे कि अब प्राइस गिर सकती है, वहां तक का टारगेट या फिर अपने स्टॉप लॉस के 2 times का टारगेट आप लेकर चल सकते हैं। तो ये था हमारा ट्वीजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न। अब बात करते हैं हमारे लास्ट कैंडलस्टिक पैटर्न ट्वीजर टॉप के बारे में। ये कैंडलस्टिक पैटर्न ट्वीजर बॉटम का जस्ट अपोजिट है, वो आप देखकर भी समझ सकते हैं। और इसमें पहले जो शेयर की प्राइस है वो अप ट्रेंड में होती है यानी शेयर की प्राइस बढ़ रही होती है, उसके बाद एक बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल बनती है यानी जो हमारी फर्स्ट कैंडल है वो एक ग्रीन कलर की कैंडल होनी चाहिए, जो हमारी सेकंड कैंडल है वो एक रेड कलर की कैंडल होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ ही यहां पर कंडीशन ये है कि इन दोनों का जो हाई पॉइंट है वो एक जगह पर होना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं कि दोनों का जो हाई है वो बिल्कुल बराबर है, यानी अगर मान लीजिए ये जो शेयर है ये 100 रुपए पर क्लोज हुआ था तो अगला जो शेयर है वो 100 रुपए पर ही ओपन होता है और उसके बाद शेयर की प्राइस गिरने लग जाती है। तो इस तरीके से हमारा ट्वीजर टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है। तो सबसे पहले साइकोलॉजी की बात करें तो देखिए पहले शेयर की प्राइस बढ़ रही थी, उसके बाद एक ग्रीन कलर की कैंडल बनी जो कि शेयर की प्राइस बढ़ने का ही यानी सेम ट्रेंड को ही इंडिकेट कर रही थी, लेकिन उसके बाद एक रेड कलर की कैंडल बनती है जो कि जहां पर हमारी ग्रीन कलर की कैंडल क्लोज हुई थी वहीं पर ओपन होती है और उसके बाद नीचे गिरने लग जाती है। तो ऐसे में जो हमारा ऊपर वाला पॉइंट है ना ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और इससे हमें ये समझ आ रहा है कि इस प्राइस पे जाने के बाद अब जो इन्वेस्टर्स हैं या ट्रेडर्स हैं उन्होंने बाय करना कम कर दिया है और ज्यादा ऐसे ट्रेडर्स हैं जो कि सेल करना शुरू कर चुके हैं जिसकी वजह से प्राइस गिर रही है। तो इसका मतलब है यहां से प्राइस और ज्यादा गिर सकती है, तो आप शॉर्ट सेल कर सकते हैं। तो अब अगर आपको इसके बेसिस पर ट्रेड लेना है तो वो आप कैसे ले सकते हैं, चलिए अब ये भी देख लेते हैं। तो क्योंकि ये एक बेयरिश पैटर्न है तो यहां पर आप शॉर्ट सेल ही कर सकते हैं। तो यहां पर जो हमारी रेड कलर की कैंडल है ना उसके नीचे यानी यहां पर आप शॉर्ट सेल कर सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो जो हमारी ये दोनों कैंडल है इनके ऊपर यानी यहां पर आप अपना स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं। और टारगेट के लिए आपको पता ही है कि 2 times ऑफ स्टॉप लॉस या फिर जब तक आपको कोई ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न ना मिल जाए जिसको देखकर आपको लगे कि अब ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, अब प्राइस बढ़ सकती है, तब तक का आप टारगेट लेकर चल सकते हैं। तो इसी के साथ आपके सभी डबल कैंडलस्टिक पैटर्न कंप्लीट होते हैं, लेकिन अभी ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न बाकी है जिसके ऊपर भी जल्दी हम हमारे चैनल पे वीडियो लाने वाले हैं। और अगर आप इस वीडियो को कुछ दिनों के बाद देख रहे हैं तो हो सकता है वो वीडियो भी आ चुकी होगी, एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। और देखो यार बहुत मेहनत करके इस वीडियो को बनाया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और अगर आप थर्ड पार्ट जल्दी से जल्दी चाहते हैं तो Part 3 लिखकर जो कि ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर होने वाला है उसके लिए Part 3 लिखकर कमेंट जरूर कीजिएगा। इसी के साथ अगर आप हमारे कोर्स को चेकआउट करना चाहते हैं, हमारी बुक को चेकआउट करना चाहते हैं, फ्री डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, मुझसे Instagram पे कनेक्ट होना चाहते हैं या फिर हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो सभी चीजों का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। फ्री इंट्राडे ट्रेडिंग वाली प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दिया है तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। इसके साथ ही फर्स्ट कमेंट में भी आपको बहुत सारे लिंक्स मिल जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस तरीके की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर आपने यहां तक वीडियो देखी है तो आप हमारे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।